बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लज़्ज़त किचन। जो आज मैं एक कैबेज मंचूरियन का रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी से बना रही हूँ और टाइम का भी आपको मेजरमेंट आपको बताऊँगी यानी कि टाइम कितना पड़ता है। आप इजी से घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में से खाने से भी घर में बनाएंगे तो आपको सारे लोग भी खा सकते हैं, मार्केट वाले से भी आप बेफिक्र से भी घर में ही खा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जो मैं गोभी लिया है, पत्ता गोभी लिया है, पत्ता गोभी को इस तरह से सारे रेशे अलग-अलग कर लेंगे। अलग-अलग करके सारा हमें क्लीन से चेक करना है, जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं। सब्जी बनाने के लिए भी आप इसी तरह से कर लीजिए। उसके बाद मैं फाइनली बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद एक थोड़ा सा नमक लेके हमें इस तरह से मिक्स करके इसमें पानी निकालने के लिए एक वेजल में रख देंगे, यानी कि 15-20 मिनट तक हम इसे रश के लिए रख देंगे। आप दूसरा अरेंज कर सकते हैं, कटिंग वगैरह रहता है ना, उस तरह से कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल हो गया है, यानी कि 20 मिनट हमें रखा है। उसका पानी हमें इस तरह से मुठियाँ दे के निकाल लेंगे। इस तरह से मुठियाँ देके निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये एक रेमेडी यूज़ करें वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से क्या होगा कि जो भी इसमें का पानी रहता है वो ईजी से निकल जाएगा। उसके बाद बॉल लीजिए, जो हमें निकाला था पानी वगैरह से, वो हमें गोभी को इसमें, पत्ता गोभी को इसमें शामिल कर लेंगे कोस को। उसके बाद आता है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें, 1 थोड़ा बड़ा वाला टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। उसके बाद आता है मैदा, यानी कि 1/3 कप आप इसमें मैदे का आटा इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद बेकिंग पाउडर क्रिस्पी के लिए हमें इसमें 1/2 टेबलस्पून इसमें टीस्पून डाल लेंगे। उसके बाद आता है रेड चिल्ली पाउडर, आपके ऊपर डिपेंड है कितना डालना है कितना ही। आप चाहे तो कलर शामिल कर सकते हैं, मैं घर के लिए बनाया है, मैं कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रेड स्ट्रॉबेरी कलर यूज़ कर सकते हैं रेड के लिए, लेकिन सोया सॉस डालेंगे ना आप बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा मिक्स करने के बाद हमें लास्ट में इसमें क्या करेंगे, बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून हमें चने दाल आटा यानी कि बेसन को इसमें यूज़ करेंगे। सारा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से प्लान रहना है साइड में, आप आयल को हीट करना है क्योंकि आप कुक बनाना है, टेम्पो पिकअप करना है और आप जल्दी भी होना है आपको। आप साइड में आयल को हीट करना है, साइड में हाई फ्लेम पे आप आयल को हीट कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से कलाने के बाद आप रश के लिए बिल्कुल रखेंगे नहीं, क्योंकि पतला हो जाता है आटा, इसलिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं, पतला हुआ तो थोड़ा आटा डाल के मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से आप रोल इनके आप गोभी को रावण बना सकते हैं, छोटा या बड़ा आपके ऊपर डिपेंड है। आयल तो हमारा बिल्कुल हीट हो गया है, हमें इसे आप क्या करेंगे, आयल को लो फ्लेम में हमें सारे गोभी को पका लेना है, यानी कि पत्ता गोभी को, कैबेज मंचूरियन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं गोभी का भी ले लेकर आई हूँ, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है माशाल्लाह। सारा इस तरह से लो फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो स्किप करें बेकिंग पाउडर, आप चाहे तो आपके पास अवेलेबल रहे तो ऐड करें और ना स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए हमें बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ किया है। हमें लो फ्लेम में ही इसे पूरा जो गोभी को हमें फ्राई कर लेंगे। आप बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्या होगा कि आप 2 बार फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार को आपको सारा गोभी क्रिस्पी हो जाएगा। नमक को देख कर डालना है क्योंकि हमें भीगने के लिए रखा था ना, उसी टाइम में हमें नमक को यूज़ किया है थोड़ा सा। सारा बिल्कुल गोभी तो बिल्कुल रेडी हो गया है। जो भी मेरा एक टिप्स है, जो घर में बना कर खाते हैं ना वो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं देता, जो बाहर के लाते हैं ना प्रॉब्लम हो जाती है, जो पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। इसलिए आप 1 आवर में आप कर सकते हैं गोभी मंचूरियन को। सारा निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये तो बिल्कुल रेडी है, आप इसे देख सकते हैं, कुछ भी बहुत ही रिस्क नहीं है, इजी से बना सकते हैं। उसके बाद साइड में हमें सॉस बना लेंगे। सॉस बनाने के लिए बड़ा सा हमें एक कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह से ऊपर से आल डालेंगे, क्योंकि हमें जो भी फ्राई करते हैं ना आनियन वगैरह जब ऊपर चले जाता है, इस तरह से ऊपर से डालेंगे।
उसके बाद बारीक चॉप कर लिया हुआ एक बड़ा वाला अनियन को हम शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद कैप्सिकम की बारी आती है। कैप्सिकम आप स्लाइसेस बड़े भी काट सकते हैं, वरना छोटे भी कैप्सिकम के स्लाइसेस काटते हैं। मैं छोटा निकाल लिया है। आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन इनकी प्याज की पत्ती भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें खुशबू आएगी। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इस साइड में रख के इस तरह से हमें थोड़ा ऑयल में क्या करेंगे, सोया सॉस को इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस चले गया है। 2 टेबल स्पून इसमें विनेगर को आप देख के डाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा खट्टा वगैरह रहता है। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट को, यानी कि ग्रीन सॉस को हमें ऐड कर लेंगे। ग्रीन सॉस जो भी हम लाते हैं, आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली को हमें काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद टमाटो सॉस आती है, केचप, आप चाहे तो कितना ऐड करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, स्वीट वगैरह आपके ऊपर डिपेंड होता है, स्पाइसी के लिए भी। उसके बाद तीनों सॉस थोड़ा इस तरह से 2 मिनट के लिए पकने के बाद हमें थोड़े ज़ोर से ही हमें लो फ्लेम में करके इस तरह से हाथ चलाना है। इसलिए ही हमें बड़ी वाली कढ़ाई को यूज़ करना है जो सॉस वगैरह अच्छे से पकने के लिए। नमक को देख कर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 साइड ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पिंच ऑफ नमक का यूज़ कर लेंगे सॉस के लिए। उसके बाद जो हमें गोभी बनाया था वो गोभी को इसमें शामिल कर लेंगे इस तरह से लो फ्लेम में। हमें आप टॉस भी कर सकते हैं, वरना इस तरह से भी ज़ोर से ही आप इस तरह से हला सकते हैं। आप कलर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें सोया सॉस में आपको कलर दे जाएगा वो। उसके बाद मैं थोड़ा निकाल लिया है इनके दूसरे टाइम में मैं यूज़ करने के लिए। 2 लोगों के लिए मिनिमम मैं सॉस डाल के गार्निशिंग कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है इनकी कैबेज मंचूरियन। आप ज़रूर से ट्राई करीजिएगा। आप इस तरह से करेंगे तो सारा बरकत आएगा जो हमें घर में बनाते हैं, जो मार्केट में बनाते हैं वो हेल्थ को भी बराबर ठीक नहीं रहेगा, और लाके भी खा भी नहीं सकते हमें। इस तरह से आप घर में ही इजी 1 आवर में इजी से बना सकते हैं, मेरी राय है। आप मेरे जो वीडियो आपको किस तरह से लगी आप मेरे साथ कमेंट के ज़रिए से शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना भी ना भूलें। जब भी आप रेसिपी देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।